ललिता कि विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं वो तो व्यापार कहाना है। विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं वो तो व्यापार कहाता है। अथवा तो विषय जीवों का अथवा तो विषय जीवों का विषयों तक का ही नाता है। हमारा हिसाब तो दूसरा है ललिता। मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांति रहे, री अखियां नजरी अखियां मिली रहे। अखियां मिली रहे आत्मा से आत्मा शांति रहे, अखियां से अखियां मिली रहे। राधा ने जवाब दो ललिता, मेरा वो विचार नहीं है विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं होता है, वो तो व्यापार हुआ करता है। और ललिता दूसरी बात यह है कि तुमने ये पूछा है कि कन्हैया हैं कहां, तो बाको जवाब एक दूसरो है। भगवान हर समय भक्तों के बस में हुआ करते हैं ललिता। अब बताएं कि सुनो भगवान कहां होंगे कहां होंगे। तो राधा बोली कि कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल जहां। कपट की चल जहां नाचते मिलेंगे पूरी ललिता ये सुधा नंदन गोपाल बहां। रखा होगा आराधन से और प्रेम परोसा थाल जहां, ये बहन मिलेंगे प्रेम बस ये सुधा नंदन गोपाल बा। राधा ने जवाब दो ललिता, ये तुमने पूछा कि भगवान कृष्ण कहाँ हैं, तो भगवान भक्तों के बस में हुआ करते हैं। जहां उनका कीर्तन होता होगा कोई कपट की चाल नहीं होगी भगवान वहां होंगे। जहां भगवान के लिए प्रेम से परोसा हुआ थाल रखा होगा भगवान उस जगह मौजूद होंगे। और ये वचन कहने के बाद जितनी लड़कियां थीं सबको वहीं छोड़ा और राधा खरक की तरफ बढ़ी। खरक में अंदर जाए के जब घुसी हैं तो गाय दुहिबे के लिए सोई भगवान श्याम सुंदर उठ के खड़ी हुई गई। राधा की तरफ निहार के भगवान कन्हैया बोले, राधा मैं तो यही जानता था कि तुम कोई साधारण लड़की हो, आज पता चला तुम तो बुद्धि में बहुत आगे हो। और श्याम सुंदर मुस्कुरा करके बोले हैं, राधा तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छा दिया। ये वचन कहने के बाद जब भगवान हंसने लगे तो ध्यान रखना दोस्तों, राधा कितनी बड़ी भक्तिन थी। राधा के दिमाग में यह बात गूंज गई कि अब इन आंखों से श्याम के मुस्कराते हुए चेहरा को छोड़ करके मैं दूसरी वस्तु को नहीं निहारूंगी। तो कन्हैया के ये वचन सुनने के बाद में राधा ने आंखें बंद कर ली और बाई खड़क में बेहोश होकर गिर पड़ी।
कर गई चोट सुकुमारी पे, कर गई चोट सुकुमारी पे। धारी लगन दुलारी पे, या धारी लगन दुलारी पे। हुई गई शिथिल सी सबई देह, जाके हाथ से दुहनिया छूट पड़ी। लूट गई लुटेरा निकल गया ये उलट पुलटगी, लूट भाई भैया उलट पुलटगी लूट भाई। राधा तो आंखें बंद करके और घर में बेहोश होई के गिर पड़ी दोस्तों, और कन्हैया बांसे अंतर ध्यान भाई। कुल देर हो गई, राधा जब घर में से नाए बाहर को आई तो सब बेटरियां भागी, और जो राधा को जमीन पे बेहोश पड़ो भाव देखो, एकदम से कीर्ति को खबर सुनाई। भाग करके माँ कीर्ति ने राधा को कलेजे से लगा लिया और बुरी तरह से रोने लगी। सोचने लगी ये क्या हुआ, थोड़ी देर पहले राधा बिल्कुल सही थी, सखियों कहा कर रही हो, कभी भगत को